सुपेला थाना पुलिस द्वारा सुपेला निवासी युवती को शादी का झांसा देकर पिछले 3 वर्षों से दुष्कर्म कर रहे आरोपी को यूपी के रामपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से बचने आरोपी लगातार जगह बदलकर छिपता फिर रहा था। सुपेला थाना पुलिस द्वारा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश पर महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस द्वारा बलात्कार के एक आरोपी गुड्डू उर्फ गुड्डा खान को यूपी के कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पिछले 3 वर्षों से सुपेला निवासी एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर रहा था। साथ ही आरोपी द्वारा पीड़िता के शादी के दबाव डालने पर उससे गाली गलौज कर बदनाम करने की धमकी भी दी जा रही थी। पीड़िता की रिपोर्ट पर सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एक विशेष टीम गठित कर यूपी भेजा गया, जहां काफी मशक्कत के बाद पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले की जानकारी सुपेला थाने के उप निरीक्षक ने दी। पीड़ित दिनांक 1/9/2022 की रिपोर्ट पर आरोपी गुड्डू खान निवासी डेरा कानपुर के खिलाफ धारा 376 अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसे कानपुर डेरा पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 4/9/2022 को गिरफ्तार कर थाना लाया, रिमांड पर पेश किया गया। आरोपी सामान्य है, न्यायालय पेश किया गया गिरफ्तार कर। गौरतलब है कि आरोपी की पीड़िता से मोबाइल के जरिए जान पहचान हुई थी, जिसके बाद आरोपी लगातार हर माह यूपी से आकर पीड़िता से मिलकर उससे दुष्कर्म करता रहा। बहरहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।